से बच्चे हैं जो मैं होता भी नहीं हूँ वीडियो में, बट वो लोग यूज़ करते हैं मेरा नाम को, मेरे कैरेक्टर को थंबनेल में रखता है और इतना बिलीवेबल बना देते हैं, ठीक है, कि लाइक एक पॉइंट पे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि मैं उस वीडियो में हूँ भी या नहीं, बस मिसगाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस को, राइट। ये है लीलियस जो कि पॉपुलर है अपने फनी एनिमेशन वीडियोस की वजह से। उनके चैनल पर टोटल 19 वीडियोस है एंड उनका हर एक वीडियो मिलियन क्रॉस किया गया। लीलियस वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एनिमेशन चैनल बना जिसने कई बड़े कंटेंट क्रिएटर को सरफाज किया एंड आज के समय में उनका चैनल एक ब्रांड बन चुका है। लीलियस की यूट्यूब पर इतनी रैपिड ग्रोथ हुई की ऐसा लगा जैसे बहुत जल्द आरजी बकेट लिस्ट को भी पीछे छोड़ देगा, बट हुआ इसका जस्ट अपोजिट। इस पॉपुलरिटी के जस्ट अपोजिट में उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला, बट आखिर क्यों, जो कि इन कुछ सालों में एनिमेशन कम्युनिटी में इतनी ऑडियंस आई है कि पूछो ही मत। एवरीवन इज लव्ड वाचिंग एनिमेशन वीडियोस और ये इन कुछ 2-3 सालों में ही हुआ। आरजी बकेट लिस्ट, नॉट योर टाइप, कीर्ति चाह, जहां इन क्रिएटर्स को कोई पहचानता तक नहीं था, आज हर कोई इनका फैन बने बैठा। इवन तो इन्हें कई पॉपुलर यूट्यूबर्स से एप्रिसिएशन भी मिला। इनफैक्ट कई पॉपुलर क्रिएटर्स तो इन एनिमेशन वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी दैट दे प्रोवाइडिंग टू देयर ऑडियंस, लाइक आरजी बकेट लिस्ट, नॉट योर टाइप, कीर्ति चाह एंड हार्ट टोन। इन क्रिएटर्स की क्वालिटी कंटेंट की वजह से इन्हें लोगों से जो प्यार मिला वो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। दे लव्ड बाय एवरीवन, बट इसी एनिमेशन कम्युनिटी में एक ऐसा भी है जिनकी वीडियोस एंड उन वीडियोस में उनके कुछ मिस्टेक्स की वजह से उन्हें आज भी हेट रिसीव होता है। लीलियश, लीलियश इज एनिमेशन चैनल हैविंग ओवर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर। इन सारी मिस्टेक्स की वजह से उन्हें कई सारे टाइटल दिए गए, स्कैमर, कॉपीकैट, बैकग्राउंड चोर एंड और भी कई सारे। ये मिस्टेक्स इतनी बड़ी एंड एनिमेशन जॉनर के लिए इतनी हार्मफुल थी कि खुद आरजी बकेट लिस्ट जैसे बड़े क्रिएटर ने लीलियश को एक्सपोज किया। आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से लीलियश को इतना हेट मिला एंड आखिर आरजी बकेट लिस्ट ने लीलियश को एक्सपोज ही क्यों किया और इन मिस्टेक्स का एनिमेशन जॉनर पर क्या इफेक्ट आने वाला था, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दैट व्हाई Lilius is the most hated animator. ये बात शुरू होती है आज से ठीक 2 साल पहले 30 मार्च 2020, जब लीलियस उसके चैनल पर अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करता है जिसका टाइटल है बैक बेंचर। पहले इस वीडियो में आरजी बकेट लिस्ट को टैग किया हुआ था, उसे हटा दिया और अब सिर्फ उसके थंबनेल में आरजी के कैरेक्टर को यूज किया हुआ, बट ना ही तो इस वीडियो में आरजी बकेट लिस्ट का नाम लिया गया और ना ही आरजी इस वीडियो में था। इस वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल की वजह से ये वीडियो बाहर से इतना बिलीवेबल लग रहा था कि कोई देख के सोच ही नहीं सकता कि इस वीडियो में आरजी नहीं होगा, जिसकी वजह से उस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आए। बिकॉज आरजी बकेट लिस्ट साल में 1 या 2 ही वीडियो अपलोड करता है, सो आरजी के फैन किसी भी हालत में उसे देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी और के वीडियो हो गया या फिर कोलैबोरेशन के थ्रू। इसी तरह जब आरजी बकेट लिस्ट का नाम यूज करके उसके वीडियो पे व्यूज आए तो उसने बाकी क्रिएटर्स का नाम भी अपने टाइटल एंड थंबनेल में यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहला हेट तो लीलियश को इस वजह से मिला कि वो दूसरे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अपने वीडियोस के थंबनेल एंड टाइटल में मेंशन करता था जबकि वो उस वीडियो में होते तक नहीं थे। बट इसके बाद जो मिस्टेक की उसकी वजह से तो आरजी बकेट लिस्ट ने लीलियश को एक्सपोज ही कर दिया। आज से ठीक 1 साल पहले लीलियश अपने चैनल पर अनाउंस करता है कि वो इंडिया की फर्स्ट एवर एनिमेटेड वेब सीरीज रिलीज करने जा रहा है नेम्ड एज त्रिनेत्र, जिसमें उसने आरजी बकेट लिस्ट को भी टैग किया था। ये बात इतनी फैल चुकी थी कि नियॉन मैन जैसे बड़े YouTube न्यूज चैनल ने उसे कवर किया, बट आरजी के इसके एक्सपोज करने का फर्स्ट रीजन ये था कि ना ही तो ये इंडिया की फर्स्ट एवर एनिमेटेड वेब सीरीज थी एंड सेकंडली इस ट्रेलर में आरजी को टैग किया था जबकि वो सीरीज में था तक नहीं। जिसके बाद आरजी ने अपनी एक्सट्रीम में लीलियश को एक्सपोज करते हुए ये कहा कि लीलियश अपने वीडियोस में जो बैकग्राउंड यूज करता है वो बैकग्राउंड गूगल डाउनलोडेड इमेजेस होती है जिसपे वे एनिमेशन फिल्टर अप्लाई करके अपनी वीडियोस में ऐड कर देता। ये चीज आरजी को बहुत ज्यादा घटिया लगी कि कैसे वो अपने ऑडियंस के ट्रस्ट को मिसयूज कर रहा था एंड उनके साथ स्कैम कर रहा था। एंड जब आरजी ने लीलियश को एक्सपोज किया तो ऑडियंस के मन में लीलियश को लेकर जो हेट था वो और ज्यादा बढ़ चुका था। ये चीज एनिमेशन जॉनर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी थी, पर आखिर कैसे? बिकॉज जब आरजी ने ग्लोकस के साथ पॉडकास्ट किया तब उसमें उसने बताया कि कैसे उसको एक बैकग्राउंड बनाने में 10 से 12 दिन लगते हैं, बट लीलियश यही चीज गूगल से कॉपी करता और ना किसी हार्डवर्क के वो बैकग्राउंड बहुत कम टाइम में बना लेता। और जब इन कॉपी किए हुए वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते तब उन छोटे क्रिएटर्स का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता। ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी मेहनत पे मूत रहा हो। वो कई दिनों की मेहनत करके अपनी वीडियोस के लिए बैकग्राउंड और एक एक फ्रेम तैयार करते फिर भी उन्हें ग्रोथ नहीं मिलती एंड दूसरी तरफ लीलियश जैसे क्रिएटर जो कॉपी करके मिलियंस में व्यूज ले जाते एंड इस हरकत की वजह से एनिमेटर्स की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि कॉपी करके इतने सारे व्यूज आ ही रहे तो क्यों फालतू की मेहनत करें, बिकॉज फिर कोई एनिमेटर अपनी वीडियोस में क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को अपनी वीडियोस में टैग करके मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई बड़े क्रिएटर्स को टैग ही करता। लीलियश के वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आने का रीजन था खुद उसके वीडियोस, माना कि टाइटल एंड थंबनेल में वो आरजी को टैग करके अपने वीडियोस के सीटीआर तो बढ़ा लेगा, बट ऑडियंस रिटेंशन का क्या? क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि जिस क्रिएटर की वजह से उसने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो तो उस वीडियो में है ही नहीं, फिर तो वो वीडियो देखना बंद कर देंगे ना। बट ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद लीलियश की काफी सारी वीडियोस देखी है और मैंने नोटिस किया कि उसकी वीडियोस बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। एट द एंड मेन चीज यही है, लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। वो बड़े क्रिएटर्स को टैग करके अपनी वीडियोस की सीटीआर बढ़ा लेता और उसकी वीडियोस तो वैसे भी एंगेजिंग थी। एक तरह से देखे तो ये बहुत स्मार्ट मूव था इतने कॉम्पिटिशन के बीच खुद को स्टैंड करने का, और ऑडियंस को भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड कॉपी क्या हुआ या फिर कैरेक्टर, उन्हें बस वो वीडियो फनी एंड एंटरटेनिंग लगनी चाहिए, दैट्स इट। इसकी वजह से आज की डेट में लीलियश का हर एक वीडियो मिलियन क्रॉस किया करता है। नाउ जिस जिसके माइंड
माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आरजी को मेंशन तो मैंने भी किया है, दैट मींस मैं भी अपने ऑडियंस के साथ स्कैम कर रहा हूँ। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आरजी को टैग किया बिकॉज मैं आरजी के बारे में बात करने वाला था कि कैसे उसने लीलेश को एक्सपोज किया, वो एंग्री हुआ एंड और भी बहुत कुछ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीलेश, अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।